हाँ जी भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं लेके चलता हूं 30 सितंबर के भारत आर्मी के FFAR इंडिया के मेरे माध्यम से किए गए काम। ये जो ओखला में जो डेमोलिशन हुआ है झुग्गियों का, वहां का जो रिलीफ वर्क कैंप जो हम चला रहे हैं, वहां मैं सीधे आपको लेके चलता हूं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां ओखला के झुग्गी के जो लोग हैं वो भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और उनकी हम मदद करते रहना चाहते हैं, करते रहना चाहते थे, और ये आप पाएंगे इस वीडियो में। लेकिन हाल में जो कुछ गंद फैलाया गया है, झूठ बोले गए हैं और एक प्रोपेगेंडा सा फैलाया गया है, कुछ लोगों की छोटी सोच और भ्रष्ट मंशाओं के कारण, उस कारण से कल जब हम काम करने वहां गए तो बेशक हमने कुछ सवालों पे क्लैरिटी लाए, झुग्गी के लोगों से जवाब मांगा, उन्होंने बेशक अपना सच बताया, अपना जवाब दिया, जो आप देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे वीडियो में कि कल माहौल बहुत ही डिफिकल्ट था। हमने पाया कि माहौल काफी एग्रेसिव था, वायलेंट था, क्राउड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा था। क्राउड ठीक थी, वो नॉर्मली होती हैं, लेकिन कुछ लंपल एलिमेंट्स वहां जरूर थे जिनको शायद भड़काया गया था, जिस कारण से बार बार वहां हम पा रहे थे कि डिस्टर्बेंस हो रही थी, जैसे कि कोई करवा रहा हो। दो चार ऐसे एलिमेंट्स थे, और इवेंचुअली इस वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद अब ये मुहिम को कंटिन्यू करना हमारे लिए फिजिकली वहां जाके ये पॉसिबल नहीं होगा। और ये बड़ी दुखद बात है कि कुछ लोगों की सोच, उनकी मंशाओं, उनके प्रोपेगेंडा के कारण पूरी मुहिम खराब हो। वहां के जिन लोगों की हम मदद कर रहे थे, जो भी लोग थे, जो भी, चाहे 30 लोग हो, 80 लोग हो, 100 लोग हो, जिनकी भी हम मदद कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब रह जाएगी। हमने इस वीडियो में बात भी किया है कि आगे जाके हम पेटीएम वगैरह करेंगे, लेकिन कल जो घटना हुई हमारे साथ भाइयों, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। और उसके बाद और फिर अब बराबर मैं देख रहा हूँ वो कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो छोटे छोटे कल के निकले हुए न्यूज चैनलों को प्लांट किया जा रहा है। कोई कह रहा है 10 लाख हमने कमा लिए, कोई कह रहा है 15 हजार झुगिया, कुछ भी बोल रहे हैं। और कल सारी बातें मैंने क्लियर की अशरफ भाई के साथ, उस 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने आंसर किए हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। करते हैं कैश में, जी 1100 लोग अभी भी उनकी मदद नहीं मिल पाती है, हमारे तब से नहीं मिल पाती है। वो अफेक्टेड हैं, जब उनको खबर मिलती है कि वहां पैसा बटा आज हमको नहीं मिला तो वो नाराज होते हैं। ठीक है, आप बैकग्राउंड को समझिए, अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकी। आप मेरे से नाराज हैं, एग्जाम्पल लीजिए, आप मेरे से कल नाराज हैं, आपको अनुपम त्रिपाठी का नाम खराब करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी संस्था का नाम खराब करना है, ताकि डोनेशन आदि बंद हो जाए, पूरी मुहिम खराब हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, जाइए, 1000 लोग वहां नाराज है, उनको पैसा नहीं मिलता है, वो डेली मुझे गाली देते, आप हमको क्यों नहीं देते। वी कांट गिव 1100 पीपल कैश हैंड आउट एवरी डे, पॉसिबल भी नहीं है। 2 घंटे में 30 से 80 लोग, 90 लोग तक हम दे पाते हैं, वो भी जब एफिशिएंट हुए सेकंड टाइम में तब। तो आप 2 लोगों को पकड़िए, जाइए कहिए अनुपम जी ने कुछ पैसा दिया, वो कहेंगे नहीं दिया, नहीं दिया। आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं हमको तो पैसा नहीं दिए, हमको तो नहीं दिए, बोल देंगे। आप ऐसे 100 वीडियो बना के ले आइए मेरे खिलाफ। तो सो द पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट। ओके, 40 को मिला तो 60 लोगों को तो नहीं मिल पाया ना, टारगेट 100 का था। अगले दिन भी 80-85 को मिला, 100 को तो नहीं मिल पाया ना, 15 लोग तो नाराज हैं। आप उन 15 लोगों से जाके मिलिए, अभी वो वीडियो बाइट आपको देंगे, कहेंगे हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, नहीं देते, नहीं देते, कहते हैं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया करेंगे। उस 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने आंसर किए हैं, वो भी आप लोग देखिएगा।
उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, फेसबुक पे 1 घंटे का है, उसपे मैंने पूरी कंट्रोवर्सी को समझाया है, उस पर जवाब दिया है, बाकी इस वीडियो में देख लें। बस यही कहना चाहता हूं, दिल दुखा है, हम तो अपना काम बराबर करते हैं, लेकिन कल हमारे पे फिजिकल हमला हुआ, पूरी रेत का टीला हमारे सर पे फेंका गया, ईटा भी मारा जा सकता था। तो जब फिजिकली अटैक हो इस प्रकार का तो कुछ पता नहीं है, कुछ लोग नहीं चाहते हम वहां रहे, कुछ लोग सारी झुग्गी चाहती है, कुछ लोग जिनको मीडिया वाले पकड़ते हैं, इट्स वेरी वेरी सैड। वही लोग देखिए हमारी वीडियो में क्या कह रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, और फिर वो रात में कोई मीडिया वाला वो कोई पकड़ के लाता है उनको, जिनका मैंने नाम लेना बंद कर दिया, और उनको दो लोग कुछ और कहते हैं, और फिर वो बाहर के लोग आ जाते हैं जो मैंने कहा है। हम मदद तो 100 ही लोगों की कर सकते हैं, वहां तो बहुत सारे लोग हैं, तो जिनकी मदद नहीं हो पाती है वो नाराज होते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। और कल फिजिकली हम पे हमला करना, रेत का टीला भाई साहब, पूरा मिट्टी मिट्टी बालू बालू मेरे सर पे हो गया, तो मैं उठा वहां से, फिर मैंने कहा सुरक्षा कारणों से ये अब सेफ नहीं है। तो इस मुहिम को हम लोग कैंपेन को, ओखला जुगी रिलीफ कैंपेन को अब हम लोग यहां से खत्म कर रहे हैं। मैं अब नहीं जाऊंगा, भारत आर्मी वहां नहीं काम करेगी, जहां हमारी इज्जत नहीं है, फॉल्स प्रोपेगेंडास फैलाए जा रहे हैं हमारे खिलाफ, और लोग हमसे फिर भी प्यार करते हैं, वो मदद चाहते हैं, लेकिन उनमें कुछ हैं जिन्होंने कल बताई रेत का टीला मारा मेरे सर पे, ईटा हो सकता था, मुझे इंजरी हो सकती थी, तो इट्स नॉट सेफ एनी मोर, दैट इज दैट। तो चलिए वीडियो की तरफ लेके चलता हूं। मेरा पहला सवाल है आप सभी भाइयों से, बांटने से पहले पहले कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जवाब चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि जय भारत बोल के क्या आप लोग जलील होते हैं? नहीं 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 नहीं। जय भारत बोल के क्या आपको फक्र महसूस होता है कि नहीं होता? तो जोर से एक बार बोले जय भारत। मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि यहाँ पे जो मैं आता हूँ 20 किलोमीटर दूर से आप लोगों के लिए, क्या आप लोग पसंद करते हैं कि मैं यहाँ आऊँ आपकी मदद करूँ, या आप चाहते हैं कि मैं नहीं आऊँ आपकी मदद नहीं करूँ? एक बार अगर आप चाहते हैं कि मैं आते रहूँ तो जोर से हाँ बोले। दूसरा सवाल आपसे ये है, सब लोगों से, अगर आप में से किसी को भी यहाँ कोई भी, चाहे एक बहन हमारे साथ आती थी जो कुछ बोल रही है बुरा, कोई भी आपको भड़काए, आप क्या उनके भड़काने में आओगे या उसकी जो आपके पास आ रहा है और सहायता कर रहा है, सीधे सीधे बता दो, जोर से हाथ उठाओ बोलो हाँ। और मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से, मैंने जैसे आप सब लोगों को कहा हुआ है कि हमारी जय भारत आर्मी जो भारत टीम है, भारत आर्मी है, वहाँ पब्लिक चंदा देती है कुछ आप लोगों के लिए, उस चंदे से आप लोगों को 100 रुपया बांटा जाता है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस 100 रुपया से आप लोग दूध, अंडा, ब्रेड, मैगी, बिस्किट जो भी खरीद, अगर आप, क्या आप लोग उस रुपया से यही सब खरीदते हैं या नशा करते हैं? अगर खाने का सामान खरीदते हैं तो हाँ बोलिए। सुनने ध्यान से, मेरा नाम अनुपम त्रिपाठी है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन हूँ, और ये काला कानून CAA और NRC का सख्त खिलाफ हूँ और दुश्मन हूँ इस काले कानून का। इस काले कानून के खिलाफ मैं अनुपम त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नंबर 21/2020 की डाली हुई है। तो जब मैं आपका नाम, नंबर और अंगूठा लगवाता हूँ तो क्या मैं NRC के लिए लगवा रहा हूँ या अपने अकाउंट के लिए लगवा रहा हूँ, इसको अब आप बेहतर समझेंगे। कहने का मतलब, मैं अगर इस सरकार के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ तो मैं आपके साथ हूँ, सरकार के साथ नहीं हूँ। तो जब मैं आपका नाम और नंबर लेता हूँ तो आप में से अगर एक जन ये सोचता है कि मैं उसको सरकार को दूंगा आपके खिलाफ,
तो माफी चाहता हूँ, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है इससे भाई। ऐसा आप लोग एक जने भी अगर ऐसा सोचा कि मैं सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, जानते हो सरकार मुझे अंदर इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और इनकी तबीयत खराब कर दूंगा अगर अंदर करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, सीए के काले कानून के खिलाफ हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 70-75 बरस के हैं, उनको भी हमारे लिए फिक्र होती है कि कोरोना काल में जहां 2 लोगों को वो मिलते नहीं है, हम 200 लोगों को मिलके आते हैं। और ये जो बहन आती थी जिन्होंने बड़ा दंड फैलाया है पीछे से, उस चक्कर में हम आज आए हैं। हम तो चाहेंगे हम महीना भर आते रहे, फिर भी आने वाले अब 2 अक्टूबर को, फिर 4 को 6 को ऐसे ही हमारा चलेगा। आज आप लोग जो नाम नंबर लिखते हैं, नंबर बिल्कुल साफ से लिखेंगे ताकि हम पर्सनली आपसे संपर्क करेंगे। आप लोगों को पेटीएम ऑर्गेनाइज करना है, पेटीएम, ताकि पेटीएम से आपको 2 तारीख को 4 तारीख को 6 तारीख को हमको फोन करोगे, पेटीएम पे हम डायरेक्ट घर से बैठे 100 रुपया भेजेंगे, समझ गए। आएंगे भी लेकिन कम आएंगे, हर बार आना हमारा। और जिस तरीके से हमारा दिल दुखाया है बहन ने और जो ड्रामा चला है, हमारा दिल नहीं दुखता है, बोलो हम भी तो इंसान है, मदद करें और लोग ऐसे बोले को ध्यान देके अभी नाम लाइए, इधर लाइए, इसको नंबर भी दे देंगे जो ने लिखवा लिया ककरो से। अभी हम काम पे है, ये बहुत ध्यान से साफ से अपना नाम और नंबर देंगे। अगर साफ से अपना नंबर नहीं लिखा तो आगे से 2 तारीख से पेटीएम से पैसा नहीं पहुंच पाएगा, आपका नुकसान होगा। हम बराबर जब तक भारत आर्मी नंबर देख लीजिएगा, चंदा आना बंद हो गया, पैसा आपको मिलना बंद हो जाएगा। और अगर बहन और लोग पीछे से आके इस किस्म के कांड करेंगे, हमारी मुहिम को खराब करेंगे, तो पैसा आप ही लोगों का नुकसान होगा क्योंकि पैसा आना बंद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें सभी भाइयों और बहनों, दे दीजिए इन लोग को दे दीजिए, टूटा हुआ इन लोग को इधर दीजिए, खराब करेगा माना बंद कर देंगे, नुकसान आपका होगा, आप लोग जानते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, आप लोग भारतीय लोग हैं और भारत आर्मी को रिप्रेजेंट करते। मैंने आज तक अपना नाम तक नहीं बताया है आप लोगों को, मेरा नाम जरूरी नहीं है, बस जय भारत बोलो मैं खुश हूँ। अब जरा कायदे से काम करेंगे ताकि ये 91 वाला आए तो जरा पता हो सबको, जो बोला है हमारा नाम खराब किया है। अली हसन को 100 रुपया मिलने वाला है, ऐसे ही जय भारत। अगली 5 पट्टियाँ जो ऑलरेडी दी हुई है वो रेडी हो गई हो तो जावेद को दे दें, जावेद को अगली 5 पट्टियाँ दे दें। फिर सर ये देख लंगड़ी है, ये देख आप जाओ अभी दिल गए नंबर को, पहले 500 तो बचने दो। U91 वाला आएगा क्या बोलेगा उसको? U91 वाला फिर आएगा क्या बोलेगा उसको? तुम क्या बोलोगे बताओ? इसे तो वीर मत लगा यार, क्या कहलवाए नहीं पर्ची आ जाए, क्या कहलवाया था? मैम वही बोले कि बताओ 100 रुपए में क्या होगा, किसका भविष्य बन रहा है, बस बताया आप लोग आएंगे ले लेना। आप चाहते हो कि हम आते रहें? और क्या, गरीबों का जब मुझे क्यों नहीं चाहते आप दोनों के लिए? साफ से अपना नाम और नंबर देखे, अगर साफ से अपना नंबर नहीं लिखा तो आगे से 2 तारीख से पेटीएम से पैसा नहीं पहुंच पाएगा, आपका नुकसान होगा। हम बराबर जब तक भारत आर्मी के लोग पैसा नंबर देख लीजिएगा, चंदा आना बंद हो गया, पैसा आपको मिलना बंद हो जाएगा। और अगर बहन और लोग पीछे से आके इस किस्म के कांड करेंगे,
हमारी मुहिम को खराब करेंगे तो पैसा आप ही लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि पैसा आना बंद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें सभी भाइयों और बहनों। दे दीजिए इन लोग को, इन लोग को दे दीजिए, टूटा हुआ इन लोग को, इधर दीजिए, इधर इन लोग को दे देते हैं। हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ पूरी झुकी में कोई भी इंसान, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, जो बोलेगा नुकसान आप ही का होगा, हमारा नहीं होगा। हम आपके लिए आए हैं। खराब करेगा माना बंद कर देंगे, नुकसान आपका होगा, आप लोग जान दीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, आप लोग भारतीय लोग हैं और भारत आर्मी को रिप्रेजेंट करते। मैंने आज तक अपना नाम तक नहीं बताया है आप लोगों को, मेरा नाम जरूरी नहीं है, बस जय भारत बोलो, मैं खुश हूँ। अब जरा कायदे से काम करेंगे ताकि ये 91 वाला आए तो जरा पता हो सबको, जो जो बोला है हमारा नाम खराब किया है। अली हसन, अली हसन को 100 रुपया मिलने वाला है, ऐसे ही काम करोगे तो रात बीत जाएगी। जय भारत, जय भारत। वरना मैं चले जाऊंगा, अगर जावेद आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मेरे ये बाउंसर है, इनका काम है मेरी सुरक्षा देखना। जो आदमी जबरदस्ती का हल्ला कर रहे हैं उनको बस ये नसीहत देना चाहता हूँ, मैं आप ही के लिए यहाँ आया हूँ और आपको कुछ लोग आएंगे जो भड़काएंगे। याद रखिएगा, मैं अनुपम त्रिपाठी भारत आर्मी से, मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ, उत्तरा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना भी चाहूँ तो नहीं लड़ सकता हूँ। मुझे आप लोगों को पैसा बांटने में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं है। मैं आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए और आते रहूंगा, लेकिन कोई बहन कोई भाई आपको आके भड़काए, भारत आर्मी का नाम खराब करे, मेरा नाम खराब करे तो ठीक नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? खड़े रहूंगा मैं अगर ये सब करेंगे तो। अभी किसी को मत दीजिए जब तक नंबर में नहीं लगेगा। मोहम्मद मुन्ना मेरा नाम है ना। मुन्ना ने कहा है कि अभी किसी को मक्खी नहीं देनी है। अब आप लोग मुन्ना से संभालिए और जावेद से संभालिए। और आज के बाद अगर किसी भाई ने किसी वीडियो वाले को इंटरव्यू दिया और गलती से हमारे बारे में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप बोला मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, उसी को सर से अभी दिल गए नंबर को, पहले 500 तो बचने दो। दस लोगों को पैसा मिल चुका है, अगले 10 लोग आए, 10 लोगों को पैसा मिल चुका है, अगले 10 लोग आए। तो पर्ची नहीं चाहते हैं तो मैं जा रहा हूँ, आप लोग अगर नहीं चाहते हैं तो मैं जा रहा हूँ। बाबू आप लोग डिसाइड कर लीजिए, हम लोग डिसाइड करने लगा चले जा रहा हूँ। सर ये देखो लंगड़ी है, ये देखो बाबा आप जाओ, सर इसको देख लीजिए पीछे, ये देखिए और किसी आदमी को ड्यूटी पे लगना है तो आके अपना नाम बताए और लक्षण जाए ड्यूटी। बिल्कुल सर, 85 को बांटा कल कहते जाएंगे, 30 को बांट जाए क्योंकि दिनों उजाले में बोल दिया सर। दे दिया काफी लोगों को।
सभी लोगों को जय भारत जय भारत। आप लोग ध्यान रखें, हम उनको पढ़ो उधर जाओ, भारत आर्मी संगठन से आए हैं। FFAR इंडिया हमारी संस्था है जो आपकी मदद कर रही है। आगे क्या हो रहे हैं, सिर्फ अभी हजार रुपया यानी 10 लोगों की मदद हो पाई है। हम आए हैं 50 से 80 लोगों की आज फिर मदद करने। आप लोग लड़ते रहेंगे तो मदद नहीं हो पाएगी। फिर न्यूज 91 वाला आएगा, उसको कहेंगे कि चले गए इतने गए ऐसे। एक सर भाई 200 लीटर दूध खत्म हो गई है, सारी पत्तियां हमने दे दी है। अब पाँच पाँच करके पर्ची भर के आप जाइए, पर्ची फाड़ दोगे, कोई गलती नहीं है। हमारी ही पर्ची आएगी, आपकी पर्ची नहीं आएगी। करिए, अरे इधर जाओ ना, न्यूज 91 वाला आएगा क्या बोलेगा उसको? न्यूज 91 वाला फिर आएगा क्या बोलेगा उसको? तुम क्या बोलोगे बताओ? इसे तो वीर मत लगा यार, क्या कहवाया था? क्या कहवाया था? मैम वही बोले कि बताओ 100 रुपए में क्या होगा, किसका भविष्य बन रहा है बताया। आप लोग आएंगे ले लेना, आप चाहते हो कि हम आते रहे? और क्या, गरीबों का जब मुझे लगाने तो क्यों नहीं चाहते आप दोनों के लिए? हाँ जी, देखा भाइयों आपने, वो टुवर्ड्स द एंड जो कुर्सी से मैं उठा हूँ उसी समय रेत फेंकी गई है मेरे सर पे, बालू कंकड़ वगैरह लगे हैं मुझे। दैट इज व्हाई आई हैड टू सडनली एरप्टली गेट अप। उस समय हमने कैंपेन खत्म करी, फिर से गए थे करीब 100 लोगों की मदद करने। 10,000 रुपए कैश लेके मैं गया था, इसी कारण से 10-12 हजार लेके चलता हूँ, क्योंकि कॉस्ट भी होते हैं, एक्सपेंसिस भी होते हैं, थोड़ा और भी देता हूँ। लेकिन कल तो मात्र हम लोग 1,000 रुपए बांट पाए 10 लोगों की, बस फिजिकली, मतलब जिनकी कैश हैंड आउट किया, और एक दो और लोग जिनका हम नोट नहीं करते, वो अंधे बाबा आते, एक विकलांग लेडी आई थी उनको दिया था। और फिर जो ये हरकत हुई उसके बाद तो आई वॉज क्वाइट पिस्ड ऑफ, आई वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते हैं। मतलब और मुझे ये क्राउड नहीं, ये लोग फिर भी भले मदद चाहते हैं, जो आपने वीडियो में देखा, दे लव मी, दे वॉन्ट मी टू हेल्प, लेकिन कुछ लंपन इवेंट एलिमेंट्स थे जिनको वहां प्लांट किया गया। माहौल कल खराब किया गया था, क्योंकि आप देख ही रहे कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा, और कुछ लोगों की मंशाएं हैं, ना करें कोई बात नहीं, मुझे खराब लगा, अनफॉर्चुनेट है। और आप इस वीडियो में ये भी पाएंगे कि देखिए वो लड़का जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे साथी वहां गार्ड की ड्यूटी करता, उसने बताया है कि कैसे ये 91 वालों ने, ये तो कहलवाया गया था, वो एक जगह कहता है कहलवाया गया था, फिर टुवर्ड्स द एंड मैंने पूछा तो कहा वो तो उन्होंने बोला था कहने को, ये जो 3,000 वाली स्टोरी की 3,000 लोगों की मदद करी, दैट इज अटर नॉनसेंस। और ये सब के बारे में जैसे मैंने कहा, लिंक छोड़ी हुई है अश्रफ भाई के साथ इंटरव्यू में, 1 घंटे का मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, पूरा समझाया है। अब लेटेस्ट है वो पकड़ के ले आई है एक और मीडिया वाले, वो कह रहा है 10 लाख रुपए। भाइयों मैं बताना चाहता हूं, भारत आर्मी के लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इस पूरी मुहिम में मात्र 10,000, 10,000, 3,000, 2,000, करीब 27,000 से 28,000 रुपया पूरी मुहिम में, जो कि रिलीफ के लिए हमारे पास डोनेशन आई है 27,000 से 28,000 रुपए के। और वो कोई आ गया, वो कह रहा है 10 लाख रुपए रेस कर लिए, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। वो 27,000 से 28,000 में एहसास दूं तो पहले दिन हमने करीब 4,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, हमारा खर्चा लगता है, मेरे जो साथ जो सिक्योरिटी बाउंसर होते हैं उनको 500 रुपए देता हूं, कन्वेंस का 500 रुपया लगता है, 200-200 रुपए गार्ड्स को देता हूं, इतना लग जाता है, अपने कुछ नहीं लेता हूं, आई डोंट चार्ज माई सेल्फ, नो फीस, नो नथिंग फॉर माई टाइम, माई एफर्ट्स, कि वहां 200 लोगों के बीच में
दो घंटा निकाल के जाना आना अनदर एक घंटा, मैं 20 किलोमीटर दूर से आता हूँ जाता हूँ ये करने के लिए, हर दूसरे दिन करता हूँ, चार दिन पांच दिन गया। नेक्स्ट डे वी डिड 90 to 100, अगेन कॉस्ट्स वगैरह फिर ऐड कर लीजिए, 500 इसको मेरी सिक्योरिटी का, 200 फिर तेल का 500, तो ये एक्सपेंसेस इतना हो जाता है। कल हम 1000 ही रुपए बांट पाए, 1000 मतलब ये ऑफिशियल, दो और लोग ही, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल जब अटैक हुआ था तो आई जस्ट रश्ड, आई सेड वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर, वी कांट स्टे हियर, इट्स नॉट सेफ। फिर वो 500 रुपए वो गार्ड्स को, दोनों को 250 दिए, तेल का 500 रुपए, सिक्योरिटी का 500 रुपए, ऐसे करके। तो ये हिसाब है, कल जरूर हम 8-10 हजार रुपए बांटना चाहते थे, हो नहीं पाया क्योंकि आई वॉज फिजिकली अटैक्ड वहां। कुछ लोग, एक जनी जो नहीं चाहती है मैं आऊं, और उनके द्वारा कुछ लोग, अब वो लोग अपना करें जैसे करना है, हमने अपना काम कर लिया भैया, दैट इज इट। मैंने कुछ पेटीएम की बात भी करी थी उनके लिए, लेकिन आज के बाद वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज फिर हो ही नहीं पाया, उनके नंबर्स प्रॉपरली नहीं आ पाए, मेरे पास चिट्स होती हैं उसमें नंबर वगैरह ठीक से लिखे नहीं होते हैं। और अगर आप हम पे फिजिकली अटैक कर देंगे और जाएंगे, हम आपको पैसा बराबर पहुंचाते रहे, आप हमें मारो मिट्टी के टीले से, इट डजंट वर्क। इसीलिए कहना चाहता हूं कि कोई भी अच्छी मुहिम में अगर किसी की पर्सनल मंशा आ जाती है, छोटी छोटी सी सोच आ जाती है, विंडिक्टिवनेस आ जाती है, प्रोपेगेंडा आ जाता है, तो पूरी मुहिम खराब हो जाती है, और वहां के 100-200 लोग जिनकी भी हम मदद कर रहे थे उनका सारा मदद खराब हो जाती है। तो दैट्स द लेसन फॉर दीज पीपल टू लर्न, देयर इज नथिंग मोर आई हैव टू से। हम क्या है, हम इस मुहिम को अब खत्म कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे अपना, हमारी तो पूरा देश चाहता है, हमारी तो 50-100 मुहिमें होती हैं, हम अपना काम बराबर करते रहेंगे। कल फिजिकल अटैक हुआ मेरे पे, वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन आई लेट इट गो, हमें बड़ा काम करना है, इतनी रिस्क तो हमारे काम पे होती है, वो हम लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, जितने भाई जितने डोनर्स ने जो टोटल सम करीब 27-28 हजार रुपए का भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपने देखा कैसे हमने यहां लोगों की तरफ लगाया अपना समय, मैंने 4-5 दिन पूरा दिया लगाया इसमें। इस मुहिम को अब हम खत्म कर रहे हैं। आप लोग इस मुहिम के लिए यानी ओखला रिलीफ फंड के लिए 1 रुपया के डोनेशन यहां से ना भेजिएगा, हाँ वी डोंट नीड इट बिकॉज वी आर नॉट नाउ डूइंग दिस एनीमोर, हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जो मुहिम करेंगे उसमें भारत आर्मी के सभी लोग जुड़े रहे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई भी सवाल भी रह गया हो मुझसे यहां पूछ लेंगे। वैसे कल अश्वर भाई वाला जो लिंक मैंने डाल दिया है, उस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, उसके साथ पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड समझाया है। और जैसे मैंने कहा कि एक बहन थी हमारे साथ जुड़ी थी, अब उनका हमसे कोई वास्ता नहीं है, ना कभी आने वाली मेरी पूरी जिंदगी में होने वाला। आई विल नेवर वर्क विद हर अगेन एंड आई विश हर वेल, मुझे उनसे कोई वो नहीं है, आई विश हर वेल, आई विश हर ऑल द बेस्ट, लेकिन हमारे रास्ते अब अलग है, आई विश नथिंग टू डू विद हर। और ये सच है कि ये फिजिकल अटैक भी जो मेरे पे हुआ है वो कहीं ना कहीं, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनके कारण से हुआ है, और ये पूरी मुहिम खराब हुई है जो डायरेक्टली उनके कारण से हुई है, बिकॉज माहौल उन्होंने खराब किया, जो हमें दिखा कर वीडियो में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्राउड को कंटेन करना वायलेंट थी, क्राउड बहुत ही डिफिकल्ट था, डिस्टर्बेंस ज्यादा थी, और इवेंचुअली मेरे पे पूरा मिट्टी के टीले का अटैक हुआ। ईटा चलता तो मुझे इंजरी हो सकती थी, आप बताइए। और हम क्या करने गए थे, पैसा बांटने गए थे, लोगों की मदद करने गए थे, कर रहे हैं। अब उसमें आप झूठ बोल सकते हैं कि चलिए 90 लोगों का नहीं किया, 30 लोगों का किया, लेकिन एडमिट तो कर रहे हो ना, 30 का किया, 35 का किया, 10 का किया, इतना तो तुमने एडमिट किया, इतना तो चलो किया, तो मदद तो करी, अगर एक की भी करी। हाँ 4 दिन गए, लेकिन आप क्या उसके बदले में दे रहे हो, टीले से मारोगे हमें, इट्स सैड। कभी कभी भारत के लिए खराब लगता है, लेकिन फिर कह रहा हूं हाँ लोग अच्छे हैं, यही एक जने की मंशा और कुछ प्रोपेगेंडा और 2-3 लोग लंपने एलिमेंट्स होते हैं जो ये हरकत करते हैं। क्राउड ने नहीं किया, वो बहुत प्यार हमसे करते हैं, मैं इस क्राउड को मिस करूंगा, आई लव दैट।
लेकिन इतने ही पे छोड़ता हूँ भाई। देखिए हमें भारत के लिए काम करना है, बहुत लंबा काम करना है, हमें मिट्टी के टीले और ईंटों से अपने को इंजर नहीं कराना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम साथ हैं, मारेगा मर जाएंगे, इससे हम डरेंगे। एक बार जोर से बोलो सब लोग, जय भारत। बांग्लादेश से नहीं आए, नहीं 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 नहीं। और ये बुलडोजर चलाने और ये पुलिस जो आपको डंडे मार रही है, ये भी भारतीय, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे, आपको प्रोटेक्शन दिलाएंगे और आने वाले दिनों में एक फंड हम बनाएंगे, झुग्गी फंड यहाँ का आपके लिए, जिसमें जो भी पब्लिक पैसा देगी वो आके डिस्ट्रीब्यूट होगा आप लोगों के खाने पीने के लिए। ये मैं करने वाला हूँ आने वाले दिनों में। किसी के मौत से नहीं डरते, जिनका मोबाइल फोन हो, मोबाइल फोन हो, पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं आए, नहीं 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 नहीं। और ये बुलडोजर चलाने और ये पुलिस जो आपको डंडे मार रही है, ये भी भारतीय, ध्यान रखना। एक बार जोर से बोलो सब लोग, जय भारत।